खंडवा वन विभाग की टीम ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 37 क्विंटल अवैध गोंद परिवहन करते हुए 7 आरोपियों को हिरासत में लिया। पकड़े गए गोंद की कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। खंडवा वन परिक्षेत्र के रेंजर असद खान ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि इंदौर इच्छापुर हाईवे पर कुछ लोगों द्वारा अवैध गोंद बड़ी मात्रा में परिवहन कर इंदौर ले जाया जा रहा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए वन विभाग की टीम ने आयसर वाहन को बोरगांव के पास घेराबंदी कर रोका और तलाशी ली। तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में सलाई गोंद वाहन से जब्त किया गया। वहीं आगे गोंद से भरे वाहन को एक स्कॉर्पियो द्वारा गाइड किया जा रहा था, उस स्कॉर्पियो वाहन को भी हिरासत में लिया है। स्कॉर्पियो से 5 आरोपियों और आयसर वाहन से 2 आरोपियों सहित 7 को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम भारती न्यूज। इसका मामला ये है कि हमको मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी, उसके तहत हमारा स्टाफ ने ये कार्रवाई की है, जिसमें 37 क्विंटल गोंद पकड़ा है। ये बोरगांव के पास की है, ब्रह्मपुर रोड पे, इंदौर इच्छापुर मार्ग पे। इसमें लगभग 7 लाख रुपए उसकी कीमत है। 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिसका ड्राइवर है कमल चौधरी और मोहसिन करके। आरोपी और भी हैं, पता लगा और भी गाड़ी पकड़ी है उनके, जो साथ में चलने वाले थे, मुखबिरी करने वाले, आगे आगे हॉलिंग करने वाले, वो उन लोगों को भी पकड़ा है। स्कॉर्पियो है उनकी, और स्कॉर्पियो के साथ 5 आदमी गिरफ्तार करके लाए जा रहे हैं, जिसमें हमारे पुलिस के बोरगांव चौकी वालों का सहयोग रहा, एसपी मैडम के सहयोग से लेके आ रहे हैं उसको। ये इंदौर बेचने के लिए ले जा रहे थे। पता चला कौन पालते थे क्या? ये डोई फोड़िया गांव के थे, करीब 7 आदमी जो हैं ये डोई फोड़िया के। ये अवैध रूप से खरीदा है, और अभी जांच पे मालूम पड़ेगा कि क्या है, कहां से लाए थे ये।